लाउडस्पीकर में फजर की अजान देने के बजाय उसके बगैर ही अजान दे दे। इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। बीजापुर शहर के एक बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से एक इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, बीएसएनएल क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ मीटिंग होती रही मगरिब के बाद से, जिसमें हज़रात उलमाए किराम के अलावा मोहतरम कायदीन किराम और एडवोकेट हज़रात और बहुत से उलमा और दीगर तनजीमों के ज़िम्मेदार जिसमें शरीक रहे, उसमें लाउडस्पीकर के सिलसिले में जो हुकूमत की जानिब से जो फैसला का ऐलान हुआ है कि रात में खुसूसन 10 बजे से 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न किया जाए। अब इसमें तमाम मज़ाहिब दाखिल हो जाते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू की मंदिरें और चर्च वगैरह, इन सब के लिए कानून है। अब फजर की अजान का मसला है, फजर की अजान बजाय लाउडस्पीकर में देने के मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लाउडस्पीकर में फजर की अजान देने के बजाय उसके बगैर ही अजान दे दें। कोई कबाहत नहीं, कोई मजहबी एतबार से भी कोई अदम जवाज़ की बात नहीं है। बग़ैर लाउडस्पीकर की अजान दे दें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, बल्कि लाउडस्पीकर में देने में परेशानी है हुकूमत की जानिब से। और बाकी चार नमाज़ों के लिए अजान देना है तो उसके लिए ये ऐलान हुआ है कि हर मस्जिद वाले लाइसेंस हासिल कर लें और लाइसेंस हासिल करके पांच चारों नमाज़ों के लिए लाउडस्पीकर में अजान दें। इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ लाइसेंस हासिल हो जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। हुकूमत के हजरात ने भी हमको बहुत ही इत्मीनान दिलाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको आसान फरमाए, कोई परेशानी की बात नहीं। और मस्जिद का कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं पूछेंगे, और जहां लाइसेंस हासिल करना है उसके लिए ख़ास जगह का ऐलान बाद में किया जाएगा। बेंगलुरु में एसीपी ऑफिस में जाकर दरख्वास्त दे दें और एक्नॉलेजमेंट उससे हासिल कर लें। ऐसा नहीं कि फौरन लाइसेंस मिल जाए, इजाज़त मिल जाए। अगर आपने दाखिल कर दिया अपनी दरख्वास्त और एक्नॉलेजमेंट हासिल कर ली तो आप मुतमईन रहें, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक के दूसरे अजला ताल्लुकाजात और देहात में हर ज़िले के DOSP से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस में जाकर दरख्वास्त पहुंचा दें और एक्नॉलेजमेंट हासिल कर लें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।